मैं हूँ आपके साथ यास्मीन। होली का त्यौहार तो बीत चुका, लेकिन इस वक्त लोगों पर एक अलग ही रंग चढ़ा हुआ है और ये रंग है 2019 चुनाव का। यहाँ तक कि बॉलीवुड स्टार्स और टीवी स्टार्स की भी राजनीति में कदम रखने की खबरों ने तूल पकड़ा हुआ है। कुछ स्टार्स राजनीति से जुड़ गए हैं तो कुछ की सिर्फ खबरें हैं। इसी बीच ऐसी खबरें आई थी कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान का चूंकि इंदौर से गहरा रिश्ता है, इसलिए वो इंदौर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन जनाब ने इस खबर को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे लोगों की बोलती ही बंद हो गई है। खबरों की माने तो सलमान ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अफवाहों पर रोक लगा दी है और हाल ही में ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं। सलमान के इस ट्वीट से ये तो साफ हो गया है कि उन्हें लेकर ऐसी सभी खबरें झूठी हैं। खैर, ये तो आप जानते ही हैं कि बीते दिनों पीएम मोदी ने बॉलीवुड के खान यानी सलमान, शाहरुख और आमिर को टैग करके देश की जनता को मतदान के लिए इनकरेज करने की अपील की थी और तभी इस तरह की खबरें आईं। यहां तक कि लोगों ने भी मन ही मन में ये मान लिया था कि सलमान जल्द ही राजनीति से जुड़ सकते हैं। हालांकि अब खुद सलमान खान ने इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाते हुए चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। बात करें सलमान के वर्क फ्रंट की तो इन दिनों वो अपनी फिल्म भारत को लेकर चर्चाओं में है। इस फिल्म में कटरीना कैफ भी लीड रोल में है और ये फिल्म ईद के मौके पर रिलीज होगी। वेल, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये सोच के आई हूँ कि जैसे आज तक मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और उसमें कामयाब हुई, तो जो भी चीज़ें गलत होती है या होती है उसके लिए स्टैंड लूँ और आगे आकर मैं खुद आगे आकर लोगों की हेल्प करूँ। हाँ, मुझे तो बहुत आदत है क्योंकि मैंने पूरी लाइफ से फाइट ही फाइट की है, तो ये मेरे लिए छोटी चीज़ है। लेकिन फिर भी मैं आज ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाई बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ों के लिए और अभी ये शुरुआत है। तो घर वालों से कंसल्ट की या बॉलीवुड के एक्टर सलमान सर से कंसल्ट की, क्या आपने किसी से कंसल्ट किया? नहीं, मैंने किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया है। ये मेरी अपनी सोच है, अपनी राय है बस। ओके, मैम, महाराष्ट्र में निर्मला सेनजी ने आरोप लगाया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मराठी मानुस का मुद्दा, वो तो मराठी मानुस का मुद्दा उठा के हमेशा आरोप ही लगाते हैं। मेरे वक्त भी वही हुआ था, उन्होंने हेल्प की जगह मराठी मानुस का मुद्दा उठाकर मेरे और भी बैंड बजवाई थी। तो ये सिंपल है, सबको बताया। तो यही बात है कांग्रेस में कि कोई जात पात का उसमें नहीं होता, सबके लिए समान धर्म है, ये सबको सेम जगह है यहाँ पर बस। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं शिल्पिंस फैन के लिए यही कहूँगी कि शिल्पा फिलहाल सही पकड़े हैं, आप भी सही पकड़ लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उमर भाई, फोटो, फैमिली फोटो, फैमिली फोटो सर। सोहेल भाई, एक फैमिली फोटो सर, एक फैमिली फोटो सर, एक फैमिली फोटो। सोहेल भाई आगे आइए ना, सोहेल भाई, सोहेल भाई आगे, सोहेल सर थोड़ा आगे, सोहेल सर। मोबाइल चल एक, चल 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 पीछे पीछे पीछे। सलमान भाई, तीनों का फोटो करो। बाय 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 बाय। अर्पित नाम। बाय बाय। अर्पित नाम।
सलमान भाई एक फोटो कर भाई एक फोटो अर्पिता मैम प्लीज नहीं आ रहा है और आगे थोड़ा पीछे बस का नाम मत ले आगे उन लोगों आगे मत अरे तुम्ही पण पुढे हो ना तुम लोग पीछे अरे हाँ पीता हाथ हाथ अरे रुक ये सोच के आई हूँ कि जैसे आज तक मैंने अपने लिए स्टैंड लिया और उसमें कामयाब हुई तो जो भी चीज़ें गलत होती है या होती है उसके लिए स्टैंड लूँ और आगे आकर मैं खुद आगे आकर लोगों की हेल्प करूँ हाँ मुझे तो बहुत आदत है क्योंकि मैंने पूरी लाइफ से फाइट ही फाइट की है तो ये मेरे लिए छोटी चीज़ है लेकिन फिर भी मैं आज ज़्यादातर जवाब नहीं दे पाई बिकॉज मैं प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ों के लिए और अभी ये शुरुआत है तो घर वालों से कंसल्ट की या बॉलीवुड के एक्टर सलमान सर से कंसल्ट की क्या आपने किसी से कंसल्ट किया नहीं मैंने किसी से कोई कंसल्ट नहीं किया है ये मेरी अपनी सोच है अपनी राय है बस ओके मैम महाराष्ट्र में निर्मला सेना ने आरोप लगाया उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे मराठी मानुस का मुद्दा वो तो मराठी मानुस का मुद्दा उठा के हमेशा आरोप ही लगाते हैं मेरे वक्त भी वही हुआ था उन्होंने हेल्प की जगह मराठी मानुस का मुद्दा उठाकर मेरे और भी बैंड बजवाई थी तो ये सिंपल है सबको बताया तो यही बात है कांग्रेस में कि कोई जात पात का उसमें नहीं होता सबके लिए समान धर्म है ये सबको सेम जगह है यहाँ पर बस आखिर में क्या कहना चाहेंगे मैं वो शिल्पिन फैन के लिए यही कहूँगी कि शिल्पा फिलहाल सही पकड़े हैं आप भी सही पकड़ लो थैंक यू सो मच थैंक यू बाय फोटो करते हो जा रही जा उतर ना दादा दादा जॉडी सर सलमान भाई फोटो करते सलमान भाई थोड़ा आगे बाय फोटो करते आगे आगे थोड़ा आगे भाई थोड़ा आगे भाई थोड़ा आगे अरे नहीं नहीं भाई थोड़ा आगे थोड़ा थैंक यू भाई सेंटर सेंटर भाई सेंटर थैंक यू थैंक यू थैंक यू आगे मत जा सलमान भाई इधर 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 भाई सलमान भाई एक फोटो दो ना सलमान भाई प्लीज सलमान भाई एक फोटो दो ना रात से खड़े सलमान भाई प्लीज सलमान भाई सलमान भाई सलमान भाई एक सेल्फी प्लीज सलमान भाई सलमान भाई